I am Dr. Suman Singh, Assistant Professor, Library Information Science, UPRTO. हम आपको जो है एक यूनिट 2 का पुस्तकालय प्रबंधन पे एक लेक्चर देंगे, जिसमें कि पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य सिद्धांत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान इकाई 1 प्रबंधन के सिद्धांत सामान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। उद्देश्य समाज के लिए रोजगार का सृजन करना। प्रबंधन के प्राथमिक उद्देश्य में संगठन के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना। नेक्स्ट है कि ये उद्देश्य किसी संगठन का अस्तित्व लाभ और विकास। नेक्स्ट प्रबंधन का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो कर्मचारियों को कुशलतापूर्वक और उत्पादक रूप से काम करने दें। योजना बनाना, व्यवस्थित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रित करना। प्रस्तावना प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक युग में अन्य सभी विशिष्ट विषयों की भांति प्रबंधन को भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे नए सिरे से परिभाषित करने एवं इसमें आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग पर बल दिया जाता है। प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की एक युक्ति है, एक कला है और एक आर्ट भी है, और इसे हम एक व्यवहारिक रूप से लेते हैं। प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंधन का अर्थ यह है कि जब हमें कोई उपलब्ध साधन होते हैं तो उसका दक्षतापूर्वक प्रभावपूर्वक जब हम तरीके से उपयोग करते हैं तो कुछ लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन का आशय दूसरे से कार्य करवाने की कला होती है और प्रबंधन के अंतर्गत इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि कम समय में कम लागत पर अधिक लाभ व लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन से आशय पूर्व अनुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक FW टेलर के अनुसार प्रबंधन यह ज्ञान कराने की एक कला है जो आप क्या करना चाहते हैं तत्पश्चात यहाँ देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययिता पूर्वक ढंग से कैसे किया जाता है। CW विल्सन के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय शक्तियों के प्रयोग एवं निर्देशन की प्रक्रिया को प्रबंधन कहा जाता है। फेमस साइंटिस्ट स्टेनले वेंस के अनुसार प्रबंधन केवल निर्णय करने तथा मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि नियत लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है। इस प्रकार प्रबंधन में निम्न कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे कि नियोजन, संगठन, समन्वय करना, निर्देशन करना, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, नियंत्रण करना तथा पॉलिसी, नीति निर्धारण इत्यादि। हेमन ने प्रबंधन को 3 दृष्टिकोणों से निम्न प्रकार परिभाषित किया है, जैसे कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, इट इज़ ए प्रोसेस, प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है, प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति है, प्री डिटर्मिनेशन एम्स होते हैं इसमें, प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है, और ये कला भी है। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों ही है। प्रबंधन का पृथक अस्तित्व होता है। प्रबंधन सार्वभौमिक है। प्रबंधन एक कौशल है और प्रबंधन एक कला है, आर्ट है। प्रबंधन एक स्किल भी है। प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन के कार्य का वर्णन सन 1916 में हेनरी फ्योल ने किया था और प्रबंधन करने से आशय पूर्व अनुमान एवं योजना बनाना और आयोजन करना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना,
तथा नियंत्रण करने से है। फियोल ने प्रबंधन को 5 कार्य बताए हैं, पूर्वानुमान करना एवं उपायोजन करना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। संगठित करना, किसी संस्था एवं संगठन के अनेक क्रियाकलाप होते हैं, उन्हें संस्था के कर्मचारियों का समूह बनाकर उनके मध्य कार्यों को कराना, अधिकारों को तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन करना ही संगठन है। नियुक्त करना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य एवं उत्तरदायित्व है, जो संस्था के कार्य संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रबंधकीय कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध कराने, उनका विकास करने और उन्हें संस्था में बनाए रखने से संबंध रखती है। पुस्तकालय में कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कर्मचारी शिक्षित हों एवं प्रशिक्षित होने के साथ साथ उनका व्यवहार अच्छा एवं सहयोगपूर्ण होना चाहिए। निर्देश देना प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो संस्था के संगठित प्रयासों को प्रारंभ करता है एवं प्रबंधकीय निर्णयों को वास्तविकता का स्वरूप प्रदान करता है एवं संस्था के निर्धारित लक्ष्यों का एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा प्रदान करता है। और समन्वय करना, मूने एवं रेले के अनुसार कार्य की एकता की स्थापना हेतु सामूहिक प्रयास की नियमित व्यवस्था ही समन्वय कहलाती है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, किसी संस्था में विशेष द्वारा अपने प्राधिकरण को संस्था के विभिन्न क्रियाकलापों के संबंध में सूचना प्रदान करना। इस प्रकार संस्था के अनेक क्रियाकलापों, सेवाओं, अन्य संबंधित प्रकरणों के संबंध में समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधन एक ऐसी कला है जो किसी निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय प्रयासों से संबंध रखता है, जिसके तहत निम्नलिखित तत्व भी समाहित होते हैं, जैसे नियोजन करना, संगठन करना, समन्वय करना, निर्देश करना, अभिप्रेरणा, नियंत्रण, नीति निर्धारण। नियोजन करना, इससे यह आशा है कि हम जब किसी भी कार्य को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं और नियोजन करते हैं। संगठन करना, जैसे किसी चीज़ को हम जब एक संगठन, एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, समूह बना के कार्य करते हैं, तो उसको हम संगठन कहते हैं। समन्वय करना, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, जब हम किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करते हैं, किसी कार्य में एडजस्टमेंट करते हैं, किसी समूह में एडजस्ट करके किसी कार्य को कार्यान्वित करते हैं, तो उसे हम समन्वय कहते हैं। निर्देश देना, निर्देशन, जैसे किसी कार्य करवाने हैं तो हम जब निर्देश देते हैं तो वह उसमें समाहित होता है। अभिप्रेरणा, किसी चीज़ को जो है हम मोटिवेशन करते हैं और उसके बाद दोबारा जब हम प्रेरित होते हैं तो उसे हम अभिप्रेरणा मानते हैं, यह भी एक आवश्यक पार्ट है। और नियंत्रण करना, किसी चीज़ का कंट्रोलिंग होना और करना भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नीति निर्धारण करना, जब हम किसी चीज़ को किसी भी संस्था में हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, वो भी हमें जो है करना बहुत आवश्यक होता है, उसे हम नीति निर्धारण भी कहते हैं। बजट प्रस्तुत करना, बजट किसी संस्था के लिए बहुत ही आवश्यक कार्य के रूप में है और यह किसी संस्था को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें कि प्रबंधन के विभिन्न स्तर भी आते हैं, जैसे सर्वोच्च प्रबंधन और मध्य प्रबंधन और पर्यवेक्षणीय प्रबंधन। इसके सभी स्तरों के लिए अलग अलग योग्यताएँ, क्षमता एवं दक्षता की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा किसी संस्था का संचालन एवं प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है, उसे हम पर्यवेक्षणीय प्रबंधन स्तर भी कहते हैं। समानता प्रबंधक से 3 प्रकार की दक्षता एवं कौशल की अपेक्षा की जाती है, कि कोई भी प्रबंधक जो है 3 प्रकार से दक्ष हो, योग्य हो और उसके अंदर ICT की और अन्य कार्यों को करने के लिए कुशलता और कौशल होना आवश्यक होता है, जैसे कि तकनीकी कौशल। हम आज के युग में तकनीकी कौशल किसी भी प्रबंधक के लिए बहुत ही आवश्यक है और किसी व्यक्तियों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी तकनीकी कौशल बहुत ही आवश्यक होता है। मानव संसाधन कौशल,
किसी भी संस्था या किसी में कार्य को करने के लिए मानव संसाधन स्किलफुल होना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। वैचारिक कौशल, कोई भी व्यक्ति है या संस्था है, वहाँ के लोग, वहाँ के स्टाफ वैचारिक कौशल विचार से जो है स्किलफुल हों और वो अच्छे विचार रखते हों, और सहयोगपूर्ण भी विचार रखना बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी प्रबंधक अपना कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता है। प्रबंधन के कई स्तर हैं, जिसमें कि प्रबंधन के तीन स्तर मुख्य बताए गए हैं, जैसे कि सर्वोच्च स्तर प्रबंधन। इसके अंतर्गत नीति, योजनाएं, नियोजन, निर्णयन, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं संसाधन संग्रहण सम्मिलित है। मध्य स्तर में यह मध्य में आता है और इसके अंतर्गत कार्य संचालन एवं क्रियान्वयन, निरीक्षण, कार्य एवं निरीक्षण सम्मिलित है। नेक्स्ट है पर्यवेक्षणीय स्तर, इसके अंतर्गत दैनिक कार्य संचालन एवं पर्यवेक्षण सम्मिलित है। प्रबंधन का क्षेत्र, प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है। विकास प्रबंधन, वर्गीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, समय प्रबंधन, अनुरक्षण प्रबंधन। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है, यह एक यूनिवर्सल साइंस है, जिसमें के अंतर्गत बगैर प्रबंधन के कोई भी संस्था, कोई भी समूह, कोई भी राष्ट्र, देश, समाज नहीं चल सकता है। उसको प्रबंधन करना ही पड़ता है। जैसे कि हम एक समाज में रहते हैं तो हमारे सारे कार्य जो है प्रबंध से ही संचालित होते हैं। विकास प्रबंधन, किसी भी संस्था में विकास बहुत आवश्यक है, किसी समाज में बहुत विकास आवश्यक है, और उसका हम प्रबंध करते हैं कि इसको आगे कैसे ले जाएं। डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। संवर्गीय प्रबंधन, यह एक विभाग का प्रबंधन होता है, जिसमें कर्मचारियों का प्रबंधन, संवर्गीय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। और वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, इसका हम लाते हैं, जैसे कि पुस्तकालय में जीरो बेस बजट है, फाइनेंशियल बजट है, कई तरह के जो है बजट होते हैं। विपणन प्रबंधन, विपणन प्रबंधन में जो है अकाउंटेंसी से रिलेटेड प्रबंधन आते हैं, और किसी चीज़ का लेजर बनाना, अकाउंट बनाना और उसको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में रखना और फाइनेंस करना और डेटा मिलाना, ये विपणन प्रबंधन में आता है। क्रय प्रबंधन, किसी जब सामग्री को हम जब क्रय करते हैं, खरीदते हैं, उसका डेटा लेखा जोखा हम रखते हैं, तो क्रय प्रबंधन में आता है। कार्यालय प्रबंधन, किसी भी संस्था में कार्यालय बहुत प्रमुख रोल अपनाता है, जिसमें कार्यालय को हम प्रबंधन के रूप में देखते हैं। कार्यालय में जो है डेटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड स्टाफ हायरार्की देखना पड़ता है, जिससे कि किसी भी कार्यालय को अच्छे रूप में संचालित कर सके और समय पे कार्य का प्रबंध हो सके। और परिवहन प्रबंध, जब किसी भी संस्था में किसी आने जाने के लिए किसी भी परिवहन का बहुत होना आवश्यक होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आए जाएगा या कोई सामान आएगा, तो उसका आने जाने का संसाधन क्या है, कैसे सामान आएगा, कैसे जाएगा, तो परिवहन प्रबंध से रिलेटेड है। या कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है किसी काम से, तो परिवहन होना आवश्यक है। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन हमारे जीवन में भी बहुत आवश्यक है और किसी संस्था, समाज, समूह के लिए भी आवश्यक है। किसी कार्य को जो है जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो ये बहुत ही उपयोगी है कि किसी कार्य को हम कैसे किसी समय पर पूर्ण कर सकें। अनुरक्षण प्रबंधन, यह जो है किसी चीज़ की चीज़ों को रख रखाव, फिजिकल रूप से किसी सामग्री को रख रखाव के रूप में आता है, जिसमें हम अनुरक्षण प्रबंध करते हैं। अनुरक्षण प्रबंध, यह संस्था के भौतिक सत्यापन या देखभाल से है। इसके अंतर्गत संस्था के भवन, संयंत्रों, मशीनों, सामग्रियों इत्यादि का रख रखाव तथा उनकी उचित देखभाल करना सम्मिलित होता है। आधुनिक प्रबंधन की अनेक नई नई विधाएँ प्रचलित हैं, जिसमें लोकप्रिय भी होती जा रही हैं, और जैसे आपदा प्रबंधन, वातावरण प्रबंधन, प्रबंधन प्रतिरक्षा प्रबंधन, चिकित्सा प्रबंधन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रबंधन इत्यादि। पुस्तकालय के संदर्भ में प्रबंधन की कई विधियां
प्रसिद्ध हैं और विविध क्षेत्रों का इसमें अध्ययन किया जाता है। सूसन तथा बर्नार्ड के ने पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों की व्यवस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खोज, निर्णय, नेतृत्व की योजना बनाना और प्रबंधकीय आकलन, सूक्ष्म दृष्टि तथा मार्गदर्शक सिद्धांत, ग्राहकों को समझाना, गुणवत्ता के लिए प्रबंधन तैयारी करना, उत्पादों का, सेवाओं का और ग्राहकों की पहचान करना, ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार आकलन, मार्गदर्शी योजनाएं बनाना, कौशल विकास, विभागीय नियोजन, व्यू रचनात्मक योजना, विस्तार एवं मूल्यांकन, पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सफल कार्यान्वयन हेतु ग्राहकों की पहचान करना, कार्य प्रक्रियाओं का मानकीकरण करना, गुणवत्ता मापन प्रक्रिया, आंतरिक संगठन के प्रबंध में सुधार तथा मानव संसाधन प्रबंध में सुधार की आवश्यकता होती है। प्रबंधन के सिद्धांतों का महत्व प्रबंधन को के लिए उतना ही आवश्यक है जितना वकीलों के लिए कानून या डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप तथा प्रबंधन के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं। प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न संसाधनों और साधनों के प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित कर न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। प्रबंधन संस्था के उपलब्ध साधनों में उपयुक्त समन्वय स्थापित कर मनुष्यों का विकास करता है। किस सीमा तक प्रबंधकीय अधिकारों का केंद्रीयकरण होना चाहिए यह पुस्तकालय की प्रकृति और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि पुस्तकालय होता है तो उसमें केंद्रीयकरण होना चाहिए। फयोल के अनुसार सभी चीज़ें जो सहायकों के महत्व को बढ़ाती हैं विकेंद्रीकरण है, तथा वे सभी चीज़ें जो सहायकों के महत्व को कम करती हैं केंद्रीकरण है। पुस्तकालय प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचना के भंडार होते हैं। धन्यवाद।